अच्छा मैम जो बच्चियाँ जो लड़कियाँ आपके इंस्टीट्यूट में आती हैं कोई कोर्स करने के लिए तो कोई ख़ास क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है आ, हम लोग आ, अपने को, कोई बेसिक हमारे टेस्ट होते, होते, हैं। होते हैं नहीं टेस्ट नहीं होता हम कोर्सेज इस तरह से करते हैं कि एक एक एडवांस लेवल का कोर्स होता है और एक कोर्स जो होता है वो आपका असिस्टेंट ब्यूटिशंस के होते हैं सही यानी कि आप आप किसी को शेडो करने के लिए तैयार होते हैं और फिर आप आगे आगे थोड़ा थोड़ा करते चले जाते हैं ज्यादातर बच्चियाँ जो है ना वो मेकअप सीखना चाहती हैं ठीक है हमें मेकअप सिखा दीजिए हमें हिट मेकअप सिखा दीजिए मजे की टर्म है मेकअप तो वो, वो क्या होता है वैसे मुझे तो पता चले आज ग्लैमर मेकअप सिखा दें यू नू ना लाइक आई मीन वो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से सोचती हैं तो उनका मतलब होता है कि जो इन फैशन इन स्टाइल हो उस टाइप की चीज़ सिखा दें तो उसके लिए इतना आपको आना चाहिए कि आप अपना पढ़ सकें थोड़ी बहुत ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश जानती हो क्योंकि हम अगर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं हमारे कोर्सेज़ वग़ैरह मगर हम उनको तर्जुमा करके देते हैं वो ख़ुद भी कर सकती हैं हमारे पास गूँगी बहरी बच्चियाँ भी कोर्सेस करती हैं तो उसमें तो यू नो इट्स ए टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया वाह तो वो अपने पाँव पे खड़ी हैं हमारी बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमसे सीखा है और फिर आपके पास काम भी कर रही हैं काम है। भी कर रही हैं और अपने अपने सेलोन भी खोल लिया अब हर आदमी तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है अच्छा जो क्लाइंट्स होती हैं वो सेटिसफाइड होती हैं इस तरह की लड़कियों से भी जब तक वो हमारे पास हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब वो हमें छोड़ के आगे बढ़ बढ़ती है तो फिर जाहिर है कि आई थिंक दे लर्न विद एक्सपीरियंस